उत्तराखंड रुड़की के इनायतपुर गांव के पास हाईटेंशन तार की चपेट में आई बस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बस में आग लगने से कंपनी के 10 कर्मचारी बुरी तरह से झुलस गए। चीख पुकार की आवाज सुनकर आसपास के काफी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े। ग्रामीणों ने सभी घायलों को बस में निकालकर रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। संज्ञान में आया क्या नाम है कि एक बस जो सिडकुल कर्मचारियों को लेकर सिडकुल में जा रही थी वो विद्युत लाइन के तार से टकराई है, जिसमें क्या नाम है 10 से 12 लोग कह रहे हैं घायल होने की सूचना प्राप्त हो रही है। एक लड़की उसमें एक्सपायर भी हो गई, बहुत ही दुखद घटना है। इस पर विभागीय स्तर पर जाँच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और नियमानुसार जो भी कह रहे हैं सरकारी नियम के हिसाब से मुआवजा है वो पीड़ित व्यक्तियों को दिया जाए। तो लापरवाही मानते हैं आप किसी? अब ये जांच के बाद ही कहा जा सकता है। मौसम खराब और इसमें कहने में कई तरह की फैक्टर हो सकते हैं, कहने में चलती हुई लाइन के तार टूटना ही और बस का तार से टकराना अपने आप में एक जाँच का विषय। सर ये जैसे ही नागपुर से बस निकलती है सुबह 4 बजे, तो बस जा रही थी तो कंपनी के लिए, तो बस ब्रह्मपुर के बीच में उतार पड़ा था 11,000 का टूटा हुआ लाइन का, तो वहाँ पर टच हो गई, उसमें ड्राइवर भी घायल है, बहुत सारी पब्लिक घायल है। कंपनी के लिए जा रही थी अल्पस लिमिटेड रोशनाबाद। कोई मौत तो नहीं हुई? हाँ, एक लड़की की मौत हो गई, निशा नाम की। फिलहाल इस हादसे से ग्रामीणों में भारी रोष है। फिलहाल मौके पर पहुंचे ऊर्जा निगम अधिकारियों ने सभी घायलों को मुआवजे का आश्वासन दिया है। SPN न्यूज रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।